हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन ऑफ यू आर फाइन, सेफ। ठीक है, मेरा नाम सरन्या है, मैं आपकी एजुकेटर हूँ आपकी ही चैनल में गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत बेस होता है। बायोकेमिस्ट्री से ही सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हमें कोई भी कॉन्सेप्ट हो बायोकेमिस्ट्री से ही शुरू होता है। अब कोई भी रिसर्च कर लो, बायोकेमिस्ट्री से ही शुरू होता है। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को लगता है कि बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट है, मगर बिल्कुल भी नहीं। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही आसान है, बायोकेमिस्ट्री बहुत ही आसान है। आप लोग उसे आराम से पढ़ सकते हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे सम बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री मतलब बायो, बायो इज लाइफ, केमिस्ट्री इज मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल्स, ऑल दीज थिंग्स इज बायोकेमिस्ट्री। सो इट इज डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ लिविंग, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग, द स्टडी ऑफ लाइफ एट इट्स मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम कहेंगे कि स्टडी ऑफ लाइफ एट इट्स मॉलिक्यूलर लेवल, उसका मतलब है कि हमारी बॉडी में फंक्शंस कैसे होते हैं, हमारे बॉडी में क्या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो हमें फंक्शन करने में हेल्प करती है, जो हमें सस्टेन करने में हेल्प करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स का, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कैसे मिलकर हमको हम बनाते हैं। बैक्टीरिया को ले लो या फिर फंगाई को ले लो, कैसे वो अपनी बॉडीली फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन सब के लिए क्या ज़रूरत होता है, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो व्हाई डू वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री? फॉर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। हम जानना चाहते हैं कि लाइफ क्या होता है, लाइफ किससे होता है और कैसे होता है, कैसे बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। फिर मेडिसिन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए भी हम बायोकेमिस्ट्री की यूज़ करते हैं। हर जगह आप देख लो बायोकेमिस्ट्री आएगा। तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है तो आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसका मतलब यही है। आप कुछ नहीं करो, आप बेसिक्स को क्लियर करवा लो, बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। मुझे भी लगता था कि बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट है, मैं भी उससे दूर भागती थी, मगर मैंने उसको पढ़ा, उसको समझा, अपनी बेसिक्स क्लियर करवा ली, बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी हो गया। आपके लिए भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे, बेसिक से समझ लोगे तो बहुत ईजी है। मोस्ट बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स आर कंपोज ऑफ 6 कॉमन एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फरस। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट बिल्ड अप द मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मोनोमर्स की तरह है, वो जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह बन जाते हैं, और दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। एग्जाम्पल है ग्लूकोज। हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी या फिर चावल, इडली, डोसा, जो भी हो, वो सब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, जो हमारी ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन के लिए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज होना ही चाहिए, नहीं तो ब्रेन डेड हो जाएगा। और ये सप्लाई ऑफ एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए अगर आप डाइट वाइट कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली मत छोड़ दो। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी की फंक्शंस के लिए। हर एक सेल को एटीपी बनाना है, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, और ग्लूकोज आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, सो देर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स। लिपिड, लिपिड क्या होता है? दे आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे
सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आप जानते होंगे कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर, तो उसमें लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और लिपिड से भी हमें एनर्जी मिलता है, बहुत सारा एनर्जी मिलता है, बट वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए एंड आरएनए आ जाते हैं, बेसिस लाइक ए टी सी जी और यूरासिल, और ये क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल मेकअप करते हैं। जेनेटिक मटेरियल से ही हम फंक्शन करते हैं, हमारी आइडेंटिटी हमारी जेनेटिक मटेरियल से है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास हो जाती है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट, एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर्स भी बन जाते हैं विटामिन्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन्स। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और हमें बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मिल जाता है। यहाँ देखिए, अब इस पिक्चर में आपके पास मोनोमर है जो पॉलीमराइज बन करके आपको एक पॉलीमर पॉलीमर मिल जाएगा, पॉलीमराइजेशन अंडरगो करके पॉलीमर मिल जाएगा, इसे ही हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। सो दे सेल्फ असेंबल इनटू सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, रिकॉग्नाइज एंड इंटरैक्ट विद वन अनदर इन स्पेसिफिक वेज टू परफॉर्म एसेंशियल सेलुलर फंक्शन। इसका एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड्स नहीं है, लिपिड्स हैं, लिपिड बाइलेयर है, उसमें इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी है, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी है, ग्लाइकोलिपिड्स भी है, अदेशन मॉलिक्यूल्स, ये सब है। सो इट्स नॉट ओनली, मतलब ये सिर्फ हमारे एक बायोमोलिक्यूल नहीं है, ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। इंटरैक्शंस आर वीक एंड रिवर्सिबल। अब आप एक एग्जांपल ले लो, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो सिर्फ एक प्रोटीन से नहीं बनता, बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स ऑफ प्रोटीन से बनता है जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के साथ एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये जो इंटरैक्शंस होते हैं ये वीक होते हैं, हमें इन इंटरैक्शंस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रिवर्सिबल मतलब क्वार्टरनरी फॉर्म से आप प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर तक ले आ सकते हैं, तो रिवर्सिबल है। और अब प्रोटीन की फंक्शनल फॉर्म 3D फॉर्म है, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर ही उसकी फंक्शनल फॉर्म होती है। सो मॉलिक्यूल्स हैव 3 डायमेंशंस एंड शेप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड्स। उसमें आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अब देखोगे तो आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को दे देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपने पास खींच लेता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम कैटायन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है उसको हम एनायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड आप ले लो, जब सोडियम क्लोराइड टूटता है तो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज ले लेता है। कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जैसे हम बचपन में अपने स्कूल्स में जाते थे तब अपने फ्रेंड्स के साथ टिफिन शेयर करते थे, बहुत मजा आता था। तो उसी तरह दो एटम्स अपने बीच के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। वो शेयरिंग आइदर इक्वल शेयरिंग हो सकती है,
आधा आधा शेयरिंग कर लेते हैं या फिर अनइक्वल शेयरिंग, माने एक एटम कुछ ज्यादा ही शेयर कर देता है। इक्वल शेयरिंग को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और अनइक्वल शेयरिंग को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है मीथेन, मीथेन के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है वाटर। नेक्स्ट हम देखेंगे वीक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब दे आर बॉन्डिंग विथ फ्लोरिन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9। इस पॉइंट को याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.9 से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक का मतलब है ये वाटर से नफरत करते हैं, वाटर को हेट करते हैं, वाटर से दूर भागते हैं। जब हम कोई भी प्रोटीन को सॉल्यूशन में डाल देंगे तो प्रोटीन फोल्ड हो जाती है। प्रोटीन इसलिए फोल्ड होती है क्योंकि वो अपने हाइड्रोफोबिक रीजन्स को बचा के रखना चाहती है वाटर से, दूर रखना चाहती है वाटर से, इसलिए प्रोटीन फोल्डिंग होता है। और इस प्रोटीन फोल्डिंग में मेजर फोर्स हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन का होता है। नेक्स्ट इज डाइपोल, डाइपोल दो पोल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरैक्शन होती है। नेक्स्ट इज लंडन डिस्पर्शन, लंडन डिस्पर्शन फोर्स को हम वैन डर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। इसमें टेम्पररी इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंस हो जाती है, बहुत टेम्पररी होता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इंट्रैक्शन हो जाता है, फिर खत्म भी हो जाता है इस टेम्पररी इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस के कारण, उसको हम वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन कहते हैं। सबसे ज्यादा वीक इंट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए आयोनिक बॉन्ड, सोडियम के आउटर शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन फॉर्म हो जाएगा और ये स्टेबल रहेगा। उसी तरह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा सकता है। इसलिए सोडियम क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के पास भेज देता है और क्लोरीन इसको अपनी झोली में डाल लेता है, और क्लोरीन क्या हो जाता है, स्टेबल, माने उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ऑक्टेट फॉर्मेशन हो गई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और सोडियम भी अभी स्टेबल है। क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लपेट लिया उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज हाउ हमारी आयोनिक बॉन्डिंग वर्क करती है। नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड, और ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है, कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स 4 है वैलेंस शेल में, उसको और 4 चाहिए ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर सके। तो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सके। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो दोस्त बन जाते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग शेयर कर लेते हैं, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कार्बन कहता है, हाइड्रोजन कहता है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, ताकि तुम्हारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो और मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ताकि मैं भी स्टेबल रहूं और तुम भी स्टेबल रहो, ताकि कार्बन भी स्टेबल रहे और हाइड्रोजन भी स्टेबल रहे, इसलिए
ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, इसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, मगर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मगर सिर्फ हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको दे नहीं सकता, तो वो भी इस साइड से पुल करने की कोशिश करता है। मगर एनर्जी आपको पता है किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, इसलिए इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड करके कहते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9 हो। अभी यहां देखिए, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरैक्शन हो रही है। ये वाला जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अभी हम हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस के बारे में देखेंगे। हमारे पास एक आइसोलेटेड प्रोटीन है, इस प्रोटीन में देखोगे तो ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स है, रेड कलर वाले, और ये ब्लू कलर वाले हाइड्रोफिलिक रीजन्स हैं। जब आप इस प्रोटीन को अलग से देखोगे तो आपको सारे रीजन्स दिखेंगे। इस प्रोटीन को आप एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दो, क्या होगा, सॉल्यूशन हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक रीजन्स हाइड्रोफिलिक माने वाटर से बहुत ज्यादा दूर भागते हैं, इसलिए क्या होता है, सारे हाइड्रोफोबिक रीजन्स बीच में छुप जाएंगे और उनको छुपाने के काम करता है हाइड्रोफिलिक रीजन्स। हाइड्रोफिलिक रीजन्स ऊपर आ जाता है जो वाटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, और हाइड्रोफोबिक रीजन्स बीच में कोर में छुप जाते हैं, वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी को तोड़ देता है वाटर। फिर हम अभी देखेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये एक एटम है जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर ये पार्शियल नेगेटिव हो तो इनके बीच में रिपल्शन होता है। ये है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आई होप आपको ये बॉन्ड्स अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इन बॉन्ड्स को क्लियर रखिए। देखिए, अब बायोकेमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और इसी के लिए मैं यहाँ हूँ, आपके लिए ही मैं यहाँ हूँ, ताकि मैं आपको बायोकेमिस्ट्री इजी बना दूँ, सरल बना दूँ, ताकि आप उससे दूर नहीं, आप हाइड्रोफोबिक नहीं फॉर मतलब क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए फोबिक नहीं, बायोकेमिस्ट्री के लिए फिलिक बन जाओ। मैं चाहती हूँ आप सब बायोकेमिस्ट्री के लिए फिलिक बन जाओ। अभी तो शायद आप लोग बायोकेमिस्ट्री के लिए फोबिक हो, मगर फोबिक रहना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो लॉस हो सकता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कोई भी लाइफ साइंस एग्जाम हो। आपको फिलिक बनना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री के लिए, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत को सरल बनाने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। मैं आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, आप समझने की तो एक बार कोशिश तो कीजिए, सब कुछ आप समझ जाएंगे, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्लीज बायोकेमिस्ट्री को इग्नोर मत कीजिए, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक एटम दूसरी एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन का एक्चुअली 2.2 है।
बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना एनर्जी लगता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत सारी एनर्जी लगती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है। उसके बाद आयोनिक आता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, उसके बाद डाइपोल डाइपोल, और उसके बाद वैंडरवाल्स। वैंडरवाल्स बहुत वीक होता है, थोड़े से इंटरेक्शन मतलब थोड़े से एनर्जी में आप उसको चकना चूर कर सकते हो, इसलिए बहुत वीक इंटरेक्शन होता है वैन डर वाल्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कोवेलेंट। आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे पीएच कॉन्सेप्ट। पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। पीएच एक मेजरमेंट करता है एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ये क्या करता है, पीएच एक सॉल्यूशन को बताता है कि अगर वो एसिड है या फिर बेस, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइक पीएच पेपर मिलता है आपके पास या फिर पीएच मीटर होता है, उससे आप मेजर कर सकते हो पीएच को। हम लैब में पीएच मीटर यूज करते हैं। पीएच का स्केल होता है 1 to 14, 1 इज मोस्ट एसिडिक, 14 इज मोस्ट बेसिक। अब देखोगे लोअर पीएच वैल्यू, लोअर पीएच वैल्यू माने दिस एंड, ये एक्चुअली एक पीएच स्केल है, दिस एंड में आप देखोगे लोअर पीएच वैल्यू को हम एसिड कहते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, एच प्लस आयन्स प्रोटॉन होता है। हाई पीएच वैल्यू माने दिस एंड 12, 13, 14 एंड ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, उसको हम बेस कहते हैं क्योंकि उसके पास ज्यादा ओ एच माइनस आयन होता है और बहुत कम एच प्लस आयन्स होते हैं। 7 इज द न्यूट्रल पीएच, 7 से नीचे जाओगे तो एसिड, 7 से ऊपर जाओगे तो बेस। आप इसको इस तरह याद रख लो, 7 इज न्यूट्रल, ठीक है, 7 न्यूट्रल है, उसके लेफ्ट में जाओगे तो एसिड, राइट में जाओगे तो बेस, लेफ्ट में जाओगे तो हाइड्रोजन आयन्स इंक्रीज होते ही जाएगा, राइट में जाओगे तो OH- इंक्रीज होते ही जाएगा। एसिड की एक प्रॉपर्टी है, एसिड क्या करता है, जो प्रोटॉन उसके पास होता है उसको वो डोनेट कर देता है, एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यही है एसिड और बेस की प्रॉपर्टी। याद रख लीजिएगा पीएच कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सिर्फ बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट आप तो वैसे भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, इंपॉर्टेंट है। ये एक पीएच स्केल है और दीज आर सम ऑफ द आइटम्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है। बैटरी एसिड 0 pH, 0 pH तक है, मतलब बहुत एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक। गैस्ट्रिक फ्लूइड pH 1 होता है, जो हमारे स्टोमक में होता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस 2.5, विनेगर 3, ऑरेंज जूस 3.8, बियर 4.5, कॉफी 5, एग योक 5.5, मिल्क आपको 6.5, ब्लड 7.4, ब्लड ब्लड की जो पीएच होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच आपको मिल जाएगा 10.8, ऐसे इस तरह आपको मिल जाएगा। और अब बैटरी एसिड देखो, बैटरी एसिड हमने देख लिया। लेमन जूस का देखोगे तो 2.2, प्योर रेन का देखोगे तो आप प्योर रेन का देखोगे तो आप आपको मिलेगा अराउंड 5.5। डिस्टिल्ड वाटर का 7 होता है, सी वाटर का 8 होता है, बेकिंग सोडा का भी 8.2 होता है, हाउस होल्ड अमोनिया का होता है आपका 8, हाउस होल्ड अमोनिया जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 11.5, और हाउस होल्ड ब्लीच, हम जो ब्लीच यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं हम ब्लीच को। और ये जो ब्लीच होता है उसका पीएच होता है अराउंड 12.8, ऐसा मतलब बहुत बेसिक है, जितना जितना 14 के पास जाता है उतना ही बेसिक होता है, जितना 14 के पास जाता है उतना ही बेसिक होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट बेसिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट बेसिक क्योंकि उसकी पीएच 14 होती है, सबसे ज्यादा बेसिक वो ही होता है।
सबसे ज़्यादा बेसिक वही होता है। मैंने एक्चुअली अपना चार्जर कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन पीएच कॉन्सेप्ट। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों फॉर्मूलेज जो है ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फॉर्मुलेज में आपको कोई एक एक का वैल्यू दे सकते हैं, लाइक पीएच का वैल्यू देख के पीएच प्लस कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकते हैं, या फिर ओएच माइनस का देख के पीओएच का पूछ सकते हैं, पीओएच का देख के पीएच का पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप में। तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ, आप क्या कीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये छोटे छोटे नोट्स आप जो बना रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आप अपने ये शॉर्ट नोट से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि तब जाके वीडियो को दोबारा दोबारा देखना मतलब टाइम लग जाता है उसके लिए, या फिर बुक से पढ़ोगे तो उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो जब आप वीडियोस देखते हो साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि उस नोट से आप रिविजन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट से आप जब रिविजन्स करते हो, आपको थोड़े से टाइम में आप रिविजन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए कह रही हूँ मैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10^-14, याद रख लीजिएगा। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल के पास कितने हाइड्रोजन एटम हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब तभी फॉर्म हो सकता है जब इट इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए अब इस फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, उतने बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। अभी अब देखोगे इसमें वाटर इज इंटरैक्टिंग विद अनदर वाटर, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन है, तो टोटली 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, याद रख लीजिएगा, इसमें से आपको न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज बफर कॉन्सेप्ट। अब बफर कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन मेंटेन द पीएच एंड रेसिस्ट पीएच चेंज इफ एसिड या फिर बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन। बफर क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, पीएच के चेंज को रेसिस्ट करता है। अगर आप कोई एसिड या बेस सॉल्यूशन में डालोगे तब भी पीएच को मेंटेन करता है, तब भी पीएच को सेम रखता है, वही है बफर का काम। ये एक वेपन की तरह काम करता है। बफर्स आर इंपॉर्टेंट एज एंजाइम रिएक्शंस एंड सेल फंक्शंस अकर्स एट ऑप्टिमम पीएच। हमारे बॉडी में देखोगे, हमारे बॉडी में या फिर कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जब एंजाइम्स फंक्शन करते हैं तो ऑप्टिमम पीएच में ही फंक्शन करते हैं, क्योंकि अगर आप एंजाइम को लोअर पीएच या फिर हायर पीएच में लेके जाओगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, तो फिर वो अपना काम नहीं करेगा। तो लैब्स में क्या करते हैं हम, किसी का रिसर्च या देखोगे तो बफर्स उसमें यूज करते हैं। बफर्स क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, हमें ऑप्टिमल पीएच देता है, ताकि हम अपनी रिएक्शंस या फिर एक्सपेरिमेंट ठीक से कर पाए। क्योंकि अगर हमारा एंजाइम लोअर पीएच में डीनेचर हो गया तो फिर हमारी सारी एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाएगा। सो बफर क्या होता है, वो एक कॉम्बिनेशन होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बफर में क्या क्या होता है, बफर में एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड कहूं तो एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कॉन्जुगेट बेस होता है सोडियम एसिटेट।
एसिटिक एसिड दैट इज सी एच थ्री सी ओ एच को आप प्लस कर दो एन ए ओ एच के साथ, तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, सोडियम एसिटेट मिलेगा। सोडियम एसिटेट ही कॉन्जुगेट बेस है और एसिटिक एसिड ही हमारा एसिड है। ये दोनों मिलकर बफर की कॉम्पोजिशन बनाते हैं और बफर्स क्या करते हैं, हमारे पीएच को अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं और कोई भी पीएच चेंज को रेसिस्ट करते हैं। जब हम बफर के बारे में पढ़ते हैं तो एक बंदा आता है हेंडरसन हैसलबर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हेंडरसन हैसलबर्ग का। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिया जिससे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकता है। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। ये इक्वेशन पीएच पी के ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट एंड एसिड को रिलेट करता है। इसको लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट को हम कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। अब अभी देखो हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ एसिड दैट इज आई मीन कॉन्जुगेट बेस बाई एसिड। इसको याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि बफर कैसे काम करता है। हमने कहा बफर में अगर आप एसिड डालो या फिर बेस डालो तो पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, मगर कैसे कैसे करता है वो मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे। ये एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, उसके पास कॉन्जुगेट बेस है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें OH माइनस आयन डालेंगे, मतलब हम इसकी पीएच को बढ़ा रहे हैं। पीएच को बढ़ाने के लिए हम इसमें बेस को ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा जब आप बेस को ऐड करोगे, ये जो CH3COH है ये अपना एक H प्लस आपका अपना एक प्रोटॉन हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देगा। अब इस इक्वेशन में देखोगे CH3COH प्लस OH माइनस, ये हाइड्रोजन इसको डोनेट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और ये वाटर बन जाता है, वाटर और आपका कॉन्जुगेट बेस। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इसमें इंक्रीज हुई ही नहीं, मतलब इसका पीएच बढ़ा ही नहीं। सेम वे आप देख लो, इसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं, H प्लस ऐड कर रहे हैं, तो क्या होता है, H प्लस इज टेकन अप, मतलब ये जो H प्लस हम इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर उसको अपटेक कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। और क्या करता है, जितना आप H प्लस आयन ऐड करोगे उस H प्लस आयन को ये CH3COO- ये एसिटेट जो है उसको वो अपटेक कर लेगा, हाइड्रोजन आयन्स को एसिटेट ले लेगा और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो आपका हेच प्लस आयोन्स भी इंक्रीज नहीं होगा, नो नेट इंक्रीज इन हेच प्लस आयोन्स। यहाँ भी हेच प्लस आयोन्स आप डालोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ भी ओ एच माइनस डालोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, बफर क्या करता है, बफर ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस की कॉम्बिनेशन के साथ जो भी हेच प्लस आयोन्स या फिर ओ एच माइनस आयोन्स आप डाल रहे हो उसको न्यूट्रलाइज करके पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज होने से बचाता है बफर और हमारी रिएक्शन ऑप्टिमल कंडीशंस में परफॉर्म हो जाती है। यही है बफर कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्योंकि आप जब कोई चीज पहली बार पढ़ते हो और उसको अच्छी तरह से समझ लेते हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। तो पढ़िए, समझिए, रिवाइज कीजिए और कभी मत भूलिए, क्योंकि आपको ये सब बोलना नहीं है। ये बेसिक्स होता है ना सिर्फ गेट एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर सिर्फ गेट एग्ज़ाम नहीं है, उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी है। अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपका करियर बनाना चाहते हो तो वहाँ बायोकेमिस्ट्री का बहुत यूज़ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए,
समझोगे तो नहीं भूलोगे, बस ऐवी पढ़ोगे तो फिर सर के ऊपर से निकल जाएगा, आप भूल जाओगे। समझोगे, समझ लोगे तो फिर नहीं भूलोगे। एक बार हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवाइज करते रहिएगा बहुत ऑफन। जब कोई भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे उसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहे। तो हमने देखा बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, हम अपनी लाइफ को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल में। इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फरस, और फोर इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स की क्लासेस है। एक्चुअली हमने यहाँ फाइव लिखा है बट सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये चार है। फिर आता है विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है और हमें अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मोनोमर्स पॉलीमराइज हो जाते हैं। बॉन्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कैटायन और एनायन बन जाता है। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आइदर इक्वल शेयरिंग होता है तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग होता है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0.9, वो होता है सिर्फ फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रोटीन फोल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में टेम्परेरी इंबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम वैंडरवाल्स फोर्स भी कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कोवेलेंट का होता है, उसके बाद आयोनिक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, फिर डाइपोल डाइपोल और सबसे ज्यादा वीक वैंडरवाल्स के पास होता है। पीएच कॉन्सेप्ट में पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल में 7 न्यूट्रल होता है, उसके नीचे जाओगे तो एसिडिक, उससे ज्यादा जाओगे तो बेस। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये हमारे पीएच स्केल है और हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम यूज करते हैं उसकी पीएच, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि हर एक चीज कैसे पीएच में वेरी करती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-14। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं डिपेंड्स अपॉन कितने हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू एफ एंड ओ और एन। बफर कॉन्सेप्ट, बफर क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच को, पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है। अगर कोई आप एसिड या फिर बेस डाल दो उसमें, पीएच किससे मिलके बना होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसमें होता है एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, उससे ही हमारा बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हेंडरसन हैसलबर्ग का इक्वेशन, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट को हम कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। पी है इस एक एक बफर है, उसमें अगर आप एसिड डालोगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा ये CH3CO- और वाटर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसमें ज्यादा बेस डालोगे तो हमारा OH- को वाटर में बना के न्यूट्रलाइज कर देगा। याद रख लीजिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक CSIR नेट एस्पायरेंट हैं और आपको अच्छी तरह से बेसिक से आपको पढ़ाई करनी है, CSIR को क्लियर करना चाहते हो 100%, तो आप हमारे अनअकैडमी में नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। वो आपको बेसिक से सब कुछ पढ़ा देंगी, टेस्ट वेस्ट रिविजन सब करा देंगी आपको। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं। आप डिटेल प्ले पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पैकेजेस 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month के बीच में होता है। अगर आप नेहा कोड यूज करोगे तो 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो आप हमारी अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आप CSIR नेट को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। आई होप आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं गुरुमंत्र, जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्विजेस भी होता रहता है। आप हमारी फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हमारा वेबसाइट है www.gurumantra.in। आपको कोई भी फर्दर क्वेरीज हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9351280800 में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ।